नगर में चोरियों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन चोरियां हो रही हैं। चोरों को अब पुलिस का भय नहीं रहा, बिंदास होकर चोरी करते हैं। इससे पहले हाईवे से लोहा गोदाम, लकी ड्राईफ्रूट और कई अन्य जगह पर चोरों ने चोरियां की, जिसका पता नहीं लग पाया। आज झांसी रोड पर पीएचई ऑफिस के सामने बने बौद्ध विहार मंदिर से अज्ञात चोर के द्वारा रात को मंदिर के ताले तोड़कर मंदिर से बौद्ध भगवान, बाबा साहब की पीतल की मूर्तियां, दो पीतल के हाथी, एक पीतल का अशोक स्तंभ और पीतल की पूजा करने वाली सामग्री चोर रात में उठाकर ले गए। इसकी कीमत 1,00,000 से अधिक बताई जा रही है। वहीं हरदास अहिरवार का कहना है कि हमने अपने पिताजी की याद में ये मंदिर बनवाया था, इसमें मूर्तियां रखी थी जो अज्ञात चोर रात को उठा ले गए। इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस के पास गए तो उन्होंने भी आवेदन देकर चलता कर दिया। बताया जाता है कि चोरियां होने का मुख्य कारण स्मैक है जो नगर में बेतहाशा चल रहा है। देखिए बौद्ध विहार मंदिर के संचालक हरदास अहिरवार ने क्या कुछ कहा। काम क्या है और आपके मंदिर से क्या क्या चोरी गया है बताएं, लगभग कितने की चोरी हुई है बताएं। मेरा नाम हरदास अहिरवार है और मैंने पिताजी का अंतिम संस्कार जिस जगह किया था वहीं मैंने बौद्ध विहार बनवाया था, दादा पंचम सिंह बौद्ध विहार के नाम से। उसमें माता जी की, पिताजी की, बाबा साहब की और भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ, चार मूर्ति थीं और दो हाथी थे, एक अशोक स्तंभ था और पूजा करने वाली सामग्री अगरबत्ती मोमबत्ती लगाने वाली। और पूरा मंदिर 1,58,000 रुपये का आया था, करीबन 1,25,00,000 रुपये की चोरी हुई है मेरी। आपने पुलिस में कंप्लेंट की कि नहीं की? हाँ, पुलिस में कंप्लेंट आवेदन दिया है मैंने। दरोगा जी बोले आवेदन दे दो, फिर FIR कर लेंगे। FIR की कि नहीं की पुलिस वालों ने आपकी? अभी अभी तो नहीं की। चलो ठीक।